तो बहुत दिनों बाद कबड्डी और आईपीएल के रिलेटेड में बहुत सारे गुड न्यूज़ निकल कर आए हैं, तो वो सभी मैं आपको गुड न्यूज़ इस वीडियो में दूंगा। जी दोस्तों, मैं आपको सारे अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कबड्डी के रिलेटेड में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी खबरें देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम लोग 40 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और 40 के जल्दी हमारे फैमिली को कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए बात करते हैं पहले गुड न्यूज़ के बारे में। तो पहला गुड न्यूज़ निकल कर आता है कबड्डी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी की तरफ से ये गुड न्यूज़ निकल कर आता है कि ताइवान ने कबड्डी स्टार्ट कर दिया है अपने कंट्री में। अब धीरे धीरे सभी स्पोर्ट कम बैक करने लगे हैं। जी दोस्तों, अब सभी स्पोर्ट कम बैक करने लगे हैं। ताइवान में चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे इसके बारे में और भी कुछ अपडेट मिलेगा, आखिर कैसे मैचेस हो रहे हैं, कितने मैचेस होंगे, अगर इसके ऊपर मुझे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा पर्सनल। और मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया में कुछ दिनों तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में अभी 11 लाख केसेस हो चुके हैं। इसके वजह से अभी इंडिया में ये सब टूर्नामेंट होना भी बहुत ही नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोरोना केसेस कम होते हैं तभी इंडिया में कोई टूर्नामेंट होगा, तो प्रो कबड्डी को अभी इंडिया में होने का बहुत ही कम चांस है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रो कबड्डी होना भी होगा तो इंडिया से बाहर होगा, और इंडिया में होने का अभी कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर होगा भी तो इंडिया से बाहर होगा, जिस तरीके से आईपीएल इंडिया से बाहर हो रहा है। अब आप 100% कन्फर्म मान सकते हैं कि आईपीएल अब इंडिया से बाहर होगा। जी दोस्तों, बस इस पर अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आना बाकी है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगले अपडेट से पहले मैं बताने वाला हूँ जिस ऐप के मदद से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस होगा, जैसे आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर रुकना है, जैसे ही ये ऐप खुलेगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाल में जो जो मैचेस होने वाले हैं वो सभी मैचेस के यहाँ पर हैं। तो आपको लगेगा जैसे आप इस ऐप में लॉगिन है, लेकिन आप इस ऐप में लॉगिन नहीं है, तो आपको 3 बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाएगा तो आपको वहाँ पर साइनअप का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर आप अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर दें तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, टोटल कबड्डी आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, तो आप इसे जाकर यूज कीजिए रेफरल कोड में। उसके बाद आप लॉगिन हो जाइए। इस ऐप की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सजेशन किए हुए टीम मिलेंगे, जिन्हें आप लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा जीतने का, और आप इसे जाकर ड्रीम इलेवन में भी लगा सकते हैं, आपको सजेशन किए हुए टीम मिलेंगे। मैंने आपको कितने सारे वीडियो बनाकर दिए जिसमें बोले कि मीटिंग हुआ, लेकिन मीटिंग में अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 20 जुलाई को फिर से BCCI की मीटिंग हुआ था, और इस मीटिंग में अब ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 2020 में नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में नहीं होगा, और मैंने प्रूफ के लिए आपको नीचे एक आर्टिकल का भी लिंक सेंड कर दिया, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आप भी समझ सकते हैं कि अब T20 वर्ल्ड कप अब 2020 में नहीं होगा, वो 2021 में होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2020 में भी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए वहाँ पर से। और आप इतना जल्दी ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि दूसरा कंट्री में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट करें। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, आखिर क्यों दूसरा कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। अब आप कंफर्म मान सकते हैं कि अब आईपीएल 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप कंफर्म मान सकते हैं कि 26 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक आईपीएल चलेगा, और इस बार आईपीएल के शेड्यूल में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। शायद जैसे ही आईपीएल ख़त्म हो उसके कुछ दिनों बाद से प्रो कबड्डी भी स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडिया में केसेस घटने कम हो गए, अगर इंडिया में केसेस के मामले कम होते हैं तो इंडिया में प्रो कबड्डी हो सकता है, नहीं तो इंडिया से भी बाहर होने का चांस है प्रो कबड्डी। और मैं आपको बता दूं, अगर प्रो कबड्डी होता भी है तो 20 नवंबर के लगभग में होगा। जी हाँ दोस्तों, 20 नवंबर के आसपास हो सकता है प्रो कबड्डी स्टार्ट। अब तो आगे डिपेंड करता है क्या कोरोना है केसेस इंडिया में घटते हैं या नहीं, अगर ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो अब इंडिया में तो होने का कोई चांस नहीं रहा, लेकिन इंडिया से बाहर होने का चांस है प्रो कबड्डी, क्योंकि अगर प्रो कबड्डी नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों का इससे लॉस होगा। जी हाँ दोस्तों, जो जो लोग प्रो कबड्डी में काम करते हैं, छोटे या बड़े माध्यम पर जहाँ पर भी वो लोग काम करते हैं, उन्हें इस बार पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और साथ ही में इंडिया को भी लॉस होगा, क्योंकि इंडिया को भी टैक्स भरता है प्रो कबड्डी बहुत ही मोटी, और आईपीएल भी अच्छा खासा टैक्स देता है इंडिया को, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो इसीलिए प्रो कबड्डी और आईपीएल होना बहुत ही जरूरी है इंडिया में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही मैं आपको कबड्डी के रिलेटेड में पर डे हमेशा ही ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।